भारत को 2016 रियो ओलंपिक्स में पदक दिलाने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक अब मैच पर लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के फौरन बाद ही साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। साक्षी मलिक समेत तमाम महिला पहलवानों ने WFI के पूर्व चीफ और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला पहलवानों के समर्थन में पुरुष पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया था। संजय सिंह के फेडरेशन का चुनाव जीतने पर साक्षी मलिक के अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने भी निराशा जताई है। तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए। हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगे कि एक महिला है, उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। वो खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि भाई जातिवाद है, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आज पूरी मीडिया बैठी है देश की, अगर हम तीनों में से कोई भी किसी पार्टी के टच में हो या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको, किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे।